चैप्टर 3 वर्ग समीकरण फार्मूला। पहला, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। द्विघात समीकरण बनाना। एक सी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। एक्सरसाइज नंबर 5। प्रश्न 1, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल व गुणनफल निम्न है। पहला, मूलों का योगफल इज इक्वल टू माइनस 4, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू माइनस 12। हल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा माइनस 12। फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान माइनस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के प्लस 4x प्लस माइनस के माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो आंसर। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2√7, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8। फार्मूला, एक्स इसके माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 2√7x प्लस अल्फा बीटा का मान 8 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्न हैं। पांचवा, व 4/5 माइनस 3/5। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 4 बाई अल्फा का मान 4/5 प्लस बीटा का मान माइनस 3/5। इसमें लघुत्तम हो जाएगा 5। तो सभी में हर समान है तो एक एक बार जाएगा। तो 4 − 3/5 इक्वल टू 1/5। अल्फा इंटू बीटा 4/5 इंटू माइनस 3/5। 3 × 12 माइनस प्लस के माइनस 12, 5 × 5 = 25, माइनस 12/25। समीकरण के सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 एक्स प्लस माइनस 12/25। एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स बाई 5 प्लस माइनस की गुना माइनस 12/25 इक्वल टू जीरो, या लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 25। 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0/25, या 5x स्क्वायर माइनस 5 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 × 25, या 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ √3 − 7, √3 + 7 दिया गया है अल्फा इक्वल टू √3 − 7, बीटा इज इक्वल टू √7 3 + 7।
अल्फा प्लस बीटा रूट थ्री माइनस सेवन प्लस रूट थ्री प्लस सेवन, प्लस माइनस सेवन कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट थ्री और रूट थ्री ये हो जाएगा दो रूट थ्री। अल्फा इंटू बीटा रूट थ्री माइनस सेवन रूट से थ्री प्लस सेवन, तो सूत्र के रूप में रूट थ्री का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा रूट थ्री का मान थ्री हो जाएगा दो बार गुना करने से, माइनस सात सत्ते उनचास, इसमें माइनस छियालीस बचेगा। एक्स इसके माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस माइनस फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस माइनस का गुना माइनस छियालीस इज इक्वल टू जीरो। तीसरा प्रश्न है, निम्न वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला, थ्री एक्स स्क्वे प्लस सेवन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हल, थ्री एक्स स्क्वे प्लस सेवन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सेतुकरण से तुलना करने पर ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू सेवन, सी इज इक्वल टू वन। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, बी का मान सेवन है, माइनस सेवन बाई थ्री। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री। चौथा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट सिक्स, सी इज इक्वल टू थ्री। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस माइनस टू रूट सिक्स बाई टू, प्लस माइनस माइनस के प्लस टू रूट सिक्स बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू रूट सिक्स। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू थ्री बाई टू। आंसर, एक्सरसाइज नंबर पाँच के शेष प्रश्नों को कॉपी में हल करना है।